देखिए, अभी जो कोरोना का जो ड्रामा चल रहा है सब तरफ, तो उसमें अभी एक नया विषय चलता है कि मास्क मास्क आपको लोग रुका के फाइन मांगना, ये करना। तो देखिए, इसके इस बारे में एक मेरा पहले भी एक वीडियो आ चुका है आपको, मैं अभी एक सिंपल शॉर्ट में 2 मिनट में बताता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राइट टू इंफॉर्मेशन में दिया गया जवाब है 27 मई 2021 का, भी पुराना भी है, आपको लेटेस्ट दे रहा हूँ मैं। इसमें पहला सवाल पूछा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सौरभ बायसेक नाम के एक्टिविस्ट है, इन्होंने एक सवाल पूछा, इज फेस मास्क आर मैंडेटरी फॉर एवरीवन, क्या सबके लिए फेस मास्क मैंडेटरी है। सरकार ने जवाब दिया, यूज ऑफ मास्क फेस कवर हैज़ बीन एडवाइज टू ऑल इन वेरियस SOPs गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाउ एवर एज पर दिस गाइडलाइंस SOPs इट्स यूज हैज़ नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेड मैंडेटरी। आपको ये मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है। सरकार के सजेशन क्या है कि जो व्यक्ति अगर किसी कोरोना पेशेंट को मिलने जा रहा है या जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उस व्यक्ति ने मास्क लगाना चाहिए, बाकी स्वस्थ व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाना चाहिए। ये सरकार का नियम है और एक अपना थोड़ा सा अपने अगर कॉमन सेंस पे हम ध्यान देंगे तो मास्क लगाने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और वही पोल्यूटेड ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इससे दूर मतलब ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि लंग्स डैमेज होना वगैरह होते हैं। ऐसा लास्ट के वीडियो में कई विशेषज्ञ के जो मुझे प्रूफ्स मिले थे वो मैंने डाले थे, बट अब इसके बारे में एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, वर्ल्ड के टॉप के जो जनरल्स हैं उनके जो डॉक्टर्स के ओपिनियंस है वो आप हमारी वेबसाइट पर देख लीजिए, उसके ऊपर उस सारे आर्टिकल्स हैं, आप वेरीफाई कर लीजिए लीगली और लॉजिकली और साइंटिफिकली। मेरे हिसाब से मास्क पहनना ठीक नहीं है, बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि ज़िंदगी है आपकी।